हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। आज हम अपना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आज जितने भी न्यूमेरिकल्स हो पाते हैं ठीक है करेंगे सॉल्व। मैंने आप सभी को वर्कशीट सेंड कर दी है, उसके 25 क्वेश्चंस के हमारे डिस्कशन है। ठीक है, तो क्या पता वीडियो बाद में मिले आपको, पहले डिस्कशन हो जाए। ठीक है, मतलब आज कुल मिला के ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी और उन 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, वर्कशीट जो मैंने आपको सेंड करी है ग्रुप पर। दूसरी चीज़, कोशिश करेंगे आज की 7-8 न्यूमेरिकल हो जाएं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सीरीज पैरेलल के सामने लिखे हैं। अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे बेटा, एकदम हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, साइड बाय साइड न्यूमेरिकल्स देता रहूँगा, मगर फिलहाल हमारा ट्यूजडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसे पढ़ेंगे, ये हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। और जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है बच्चों, प्लीज़ वो वीडियो सारी ज़रूर देखें। आपको लगेगा कि इतना लंबा चैप्टर हो चुका है, मगर बेटा कहीं ना कहीं उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए आपका बेसिक, और जब तक आपका बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ जिन्होंने भी वीडियो जल्दबाजी में देखी है, वो वीडियो सभी स्टार्टिंग से डे बाय डे एक एक दो दो वीडियोस रिवाइज करते चलें और मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहें, चीज़ें क्लियर करें। अब तक आपके दो टेस्ट हो चुके हैं, कल एक और टेस्ट है आपका इस चैप्टर का पूरा फुल्ली फाइनल। ठीक है, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने ये आपके सामने चार न्यूमेरिकल्स रखे हैं, आठ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट आंसर ही बताऊंगा, पहला सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक सर्किट गिवन है ठीक है, जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये इसका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सुनना मेरी बात, करंट यहाँ से फ्लो होगा, घूमते घूमते ये दो रास्तों में बढ़ गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर अगेन इसको तीन रास्ते मिल गए, ओके, और ये वापस आ गया। तो ये हमें सर्किट समझ में आ रहा है, ये हो गया स्विच। तो इस सर्किट को देखते हुए सबसे पहला पार्ट आपसे ये पूछा गया है कि ये जो भी सर्किट है इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। आप लोग प्लीज़ पहले क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। खुद करने की कोशिश करिए, बीच बीच में वीडियो पॉज करके, नहीं आता है तो पूछिए। बच्चों थोड़ा ना, हाँ मेरे चैनल पर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब की, इसलिए वीडियोज़ प्रॉपर थोड़ा सा लेट अपलोड हो पा रही हैं। ठीक है, अभी एक दो दिन से दिक्कत हो रही है, तो जैसे ही ठीक हो जाएगी रेगुलर बेसिस पर दोबारा वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपलोडिंग में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब देखिए सामने। तो बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट करा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों को हमें सॉल्व करना होगा और तब जाके हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना होगा। करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ये इसको दो रास्ते मिल गए, दो रास्ते मिल गए ना, तो इट मीन्स कि ये दोनों हमारे जो रेजिस्टेंस है वो किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैंने इन दोनों को मिलके एक नया रेजिस्टेंस मान लिया R। क्या मान लिया? R। वो R किसके बराबर होगा? 1/10 प्लस 1/40। हाँ है ना, मैं दोबारा से बताता रहूँगा, समझिए उस पूरे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1/10 प्लस 1/40। तो यहाँ से 1/R किसके बराबर आएगा? LCM आएगा बेटा आपका 40। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, अभी आगे भूल जाओ, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 10 4 जा 40, 4 1 जा 4 प्लस 40 1 जा 40, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1/R बराबर हो जाएगा बेटा 5/40, और यहाँ से मेरा R की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 40/5 दैट इज़ 8 ओम। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके मेरा कितना रेजिस्टेंस बना? 8 ओम। तो क्या ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखना, क्या इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ? ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ बहुत आराम से समझाऊंगा, बोर होने की जरूरत नहीं है, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए शॉर्ट में। तो इसको जब हम इन दोनों को सॉल्व करके मेरा 8 ओम आ गया, तो इस दोनों की जगह मैंने बस एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसकी वैल्यू क्या मान ली बेटा मैंने? 8 ओम, क्योंकि मेरी 8 ओम आई दोनों को सॉल्व करके। और अब बचता क्या है? 30 20 60। ये है मेरा 30 ओम, ये है मेरा 20 ओम, ये है मेरा 60 ओम, और ये है मेरी 12 वोल्ट की बैटरी। अब ये सॉल्व हो गया, आगे चलते चलते अब तीन आ रहा है,
इसको क्या मान लिया, वन अपॉन आर डैश, वन अपॉन, जब आर इसे मान लिया, इसे मान लिया आर डैश, वन अपॉन आर डैश कितना होगा, वन अपॉन थर्टी। वही, क्योंकि तीन रास्ते मिल चुके हैं इसको, तो तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में, वन अपॉन थर्टी प्लस वन अपॉन ट्वेंटी प्लस वन अपॉन सिक्सटी। एलसीएम कितना आएगा बेटा, सिक्सटी टू प्लस थ्री प्लस वन, वन अपॉन आर डैश। आर डैश क्यों माना, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके जब मैंने आर मान लिया, तो इन तीनों को सॉल्व करने पे जो रेजिस्टेंस आया उसे क्या मान लिया मैंने, आर डैश। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिक्स अपॉन सिक्सटी, और आर डैश की वैल्यू आ जाएगी टेन ओम, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देंगे तो सिक्सटी अपॉन सिक्स टेन ओम। अब इन तीनों को इरेज करके क्या मैं इसकी जगह एक नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ टेन ओम, इन दोनों को सॉल्व करके तो आ गया एट ओम, इन तीनों को सॉल्व करके आ गया टेन ओम, जैसा कि आपको सामने विजिबल हो रहा है ना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए कि क्या करा है हमने। ओके, नाउ नेट रेजिस्टेंस, अब यहाँ देखिए नेट रेजिस्टेंस किसका कितना होगा, दोनों किस में है, अब सीरीज में है ना, तो एट प्लस टेन दैट इज एटीन ओम। तो जो मेरा नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है मेरा, 18 ओम। तो जो नेट टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया बेटा, 18 ओम। कोई दिक्कत, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, V इक्वल टू IR होता है बेटा, V इक्वल टू IR होता है, क्योंकि टोटल करंट की बात करी है। टोटल वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट। टोटल करंट मुझे निकालना है, टोटल R कितना आया, 18। तो I की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 18, ओके एम्पियर। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है, जिसको भी डाउट है वो मेरे से पूछ लीजिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसे एक बार आराम से देखिए, जिसको भी समझ में नहीं आया बेटा मेरे से पूछिए। ठीक है, इसका अगर कोई दिक्कत है किसी को तो हम लोग इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, मुझे कॉल कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा क्या है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.67, क्या आ जाएगा, चलिए ओके। अब इस अब पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्या करा, दो पहले हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, नेट रेजिस्टेंस के बाद टोटल वोल्टेज निकाल लिया, तो ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन। इरेज कर देते हैं, आप इतने अब सेकेंड क्वेश्चन करिए, जिसको डाउट है पूछिए मेरे से। सेकेंड क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास क्या है, एक सर्किट है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट यहाँ से निकला, करंट फ्लो करते 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 ये गया पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ तो जाएगा नहीं। और ये क्या है तुम्हारा, ये जो ए बी सी लिखे हैं ये तीनों वोल्ट मीटर्स हैं, क्या है, ए पे अलग वोल्ट मीटर है, बी पे अलग वोल्ट मीटर है, सी पे अलग वोल्ट मीटर है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए पे अलग वोल्ट मीटर है, बी, ये तीनों वोल्ट मीटर्स हैं, ए बी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, लगा देता हूँ V1 मान लेते हैं इसे, इसे V2 और ये है मेरा V3, ये है मेरा रेजिस्टेंस R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, यानी सभी रेजिस्टेंस सेम है। यहाँ पर जो वैल्यू है वही रेजिस्टेंस ये है, वही रेजिस्टेंस ये है, वही रेजिस्टेंस ये है। यहाँ V1 जो है वो केवल इसके अलाउंग लगा हुआ है, पैरेलल में लगता है तो पैरेलल में लग गया, इस वाले के भी V2 लग रहा है और इस वाले के क्या लग रहा है, दोनों को मिला के V3। तो आपको V1 में कितनी रीडिंग आएगी, V2 में कितनी रीडिंग आएगी और V3 में कितनी रीडिंग आएगी वो बताना है। इस सर्किट में वोल्ट मीटर 1 में कितनी रीडिंग शो होगी, वोल्ट मीटर 2 में कितनी रीडिंग शो होगी और वोल्ट मीटर 3 में कितनी रीडिंग शो होगी, ये आप लोगों को बेटा बताना है। और सारे रेजिस्टेंस क्या लगे हुए हैं, सेम, ठीक है, इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, लेट द कुछ भी मान लेते हैं एक वैल्यू, लेट द रेजिस्टेंस बी 1 ओम। जस्ट इमेजिन, हमने 1 ओम रेजिस्टेंस मान लिया, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है, एक्स मान के भी कर सकते हो, नो डाउट, ये 1 है, ये 1 है, या आर से भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे करो ताकि सॉल्व हो जाए। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, हमें ध्यान से देखिएगा, सभी सीरीज ये जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं वो सब कैसे लग रहे हैं, एक तरीके से अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें इसका, क्या निकालें, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं अगर इसका, तो कितना आएगा, 4 ओम, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज
फोर ओम, ये सारे सीरीज में ही तो एक तरीके से, ध्यान से देखो। अब इनको मत देखना V1 V2 V3, ये सीरीज रेजिस्टेंस की बात करो, R2 R3 R4, सभी के सभी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम। तो यहाँ से V की वैल्यू होती है IR, क्या होती है V इक्वल टू IR। टोटल वोल्टेज कितनी है बेटा 12 वोल्ट, टोटल करंट मुझे नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 4, तो टोटल करंट कितना आ गया 3 एम्पियर। आप लोगों को पता है जब सीरीज होता है तो सभी में करंट क्या आता है सेम, यानी इसमें भी 3 एम्पियर आ रहा होगा, इसमें भी 3 एम्पियर आ रहा होगा, इसमें भी 3 एम्पियर और इसमें भी 3 एम्पियर। नाउ इन V1 इक्वल टू IR, यही होगा V1 इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस आ रहा है। V1 की वैल्यू मुझे निकालनी है बेटा, इसमें I कितना आया 3 आया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 1, तो V1 कितना आ गया 3 वोल्ट। तो V1 के अंदर कितनी वोल्टेज आएगी, ये कितनी रीडिंग आएगी 3 वोल्ट। सेम V2 के अंदर भी कितनी आएगी 3 वोल्ट, क्योंकि दोनों सेम है। सिमिलरली V2 के अंदर भी कितनी वोल्टेज शो होगी आपकी 3 वोल्ट। बात करते हैं V3, तो इन V3 अगेन V3 इक्वल टू IR, यही होगा है ना, I नहीं 2R, क्यों होगा यहाँ पे 2R क्यों होगा बेटा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R 2R है ना। तो यहाँ से V3 ऐसे ही रहेगा, I की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 × 2 × 1, R की वैल्यू 1 थी, तो दैट इज 6 वोल्ट। तो V3 इसमें कितना आएगा रीडिंग 6 वोल्ट तो आया, और तीनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है 12 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में हमें पढ़ा भी था वोल्टेज डिवाइड होती है, और देखो डिवाइड हो रही है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हमने पहले क्या करा, टोटल करंट निकाल लिया इस फॉर्मूले से, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर। अब इसमें 3 पुट करा, आर की वैल्यू 1 मान रखी थी ना, तो वी कितना आया 3 वोल्ट, सिमिलरली V2 भी कितना आया 3 वोल्ट, और जब दोनों सेम रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो V3 कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। होपफुली आपको सेकंड न्यूमेरिकल भी अच्छे से आ गया होगा, जिसको भी डाउट है वो मेरे से पूछिए कॉल करके वीडियो को पॉज करके, ओके। बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, एकदम से हाई कराऊंगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाने का है, ठीक है, सुनते रहिए मेरी बात जो बता रहा हूँ। लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगा, तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ABCDE ये एक सर्किट है, ए पे प्लस है, बी पे माइनस है, ये एमीटर है, देखो खुद देखो, प्लस से निकल के प्लस से अटैच है, ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस 0.5 का, ये 0.5 का, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, तो आपको एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज हमारी कितनी दे रखी है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कम मैंने ये, हाँ ठीक है, हाँ मैं लिखना भूल चुका हूँ, टोटल वोल्टेज दे रखी है बेटा आपको 3 वोल्ट, क्या दे रखा है, तो आपको एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी वो बतानी है। तो ध्यान से देखो, याद रखना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीछे से स्टार्ट करिए, जहां पे सर्किट एंड हो रहा हो, एंड इन द सेंस कि जहां पे आपको पीछे से, जैसे इसमें बात करें तो यहां भी पीछे से स्टार्ट करेंगे, इसकी भी बात करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, जहां पर पहले आप इजीली सॉल्व कर सकें, पीछे से सॉल्व करते चलिए आगे तक आइए। तो पीछे की बात करते हैं, यहां से करंट गया, ए से गया, बी तक पहुंचा, बी तक पहुंचने पे उसको दो रास्ते मिल गए, यानी ये और ये रास्ता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछिए कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। हमने यहाँ से करंट स्टार्ट करा प्लस टर्मिनल से, प्लस टर्मिनल से करंट स्टार्ट होने पे ए से गया, बी तक तो पहुंच गया, एक ही रास्ता है, बी के बाद इसको दो रास्ते मिल गए डी तक पहुंचने के लिए। बी से डी तक पहुंचने के लिए एक तो रास्ता है बी सी डी और डायरेक्ट बी डी, बी सी डी और बी डी, तो दोनों क्या होगा पैरेलल में, क्योंकि जहां दो रास्ते मिल जाए पैरेलल में। तो ध्यान से देखिए, 1/R 3+3 तो यहां पे 3+3 दोनों किस में है बेटा, ये सीरीज में है, रेजिस्टेंस R कितना होगा, R1 निकाल देते हैं, 3+3 दैट इज 6 ओम, क्योंकि जब हम B से D की तरफ जाएंगे पीछे वाले रास्ते में, तो देखो एक ही रास्ता तो है B से D तक पहुंचने में, इस वाले रास्ते से जाएंगे तो दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर से अटैच है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों किस में हो गए सीरीज में, B से D तक जा रहे हैं, तो
तो बी से डी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये डायरेक्ट और एक ये वाला, तो हम इसको भूल जाओ। अभी ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले में गए तो दोनों किस में है, सीरीज में, तो 3+3=6। इसको कुछ ऐसे बना सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना मेरी बात, ये तो 3 ओम का है ही, यहाँ मेरा बी था, यहाँ मेरा डी था, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या बन गया मेरा, ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद क्या बन गया मेरा, 6 ओम अभी निकाला है ऊपर, है ना, और यहाँ पे क्या है 0.5, यहाँ भी क्या है 0.5, और ये लगी हुई है मेरी बैटरी और एमिटर। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले ये B से लेके D तक जो बी सी डी वाला रास्ता है उसे सॉल्व करा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, 3+3=6, ये ऐसी रहा, ऊपर वाले की जगह एक नया रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और ये पैडल में क्यों आया, क्योंकि यहाँ करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ही रहा, तो ऊपर वाला पार्ट 3 वाले के पैडल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 1/ इस वाले को रेजिस्टेंस को मान लीजिए R2, दोनों पैडल में है, तो 1/6 + 1/3 LCM आएगा 6, 1+2 R2 की वैल्यू हो जाएगी 6/3, दैट इज 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी होगी 2 ओम, तो इन दो इसको भी हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह 2 ओम, इस पूरे वाले को ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया तो पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। नाउ ध्यान से देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करा तो तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो 2+0.5+0.5 नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 ओम, 0.5, तो इनको भी हटा दिया और यहाँ क्या लिख दिया 3 ओम, है ना, और यहाँ क्या था 3 वोल्ट, कोई दिक्कत, सबको हटा के सॉल्व करके 3 ओम आ गया। अब स्टार्टिंग से देखते रहना वीडियो, बड़ा क्लियर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। V=IR, V कितना है 3, I तो मैं निकालना है टोटल, ये कितना है 3 है रेजिस्टेंस, तो I कितना आएगा 1 एम्पियर, तो कितनी रीडिंग शो होगी इसमें 1 एम्पियर, किसी को डाउट है तो पूछिए। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करा, फिर ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद इन तीनों को सॉल्व करके बना दिया एक, ये आ गया जिसकी जगह 3 ओम, और उसके बाद हमने टोटल करंट निकाल दिया, ये हो गया मेरा तीसरा न्यूमेरिकल। भी अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को इस न्यूमेरिकल को पिछले दोबारे से देखो और मेरे से पूछो कि सर कहाँ दिक्कत हुई है। ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ, ये इतने आपका 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। अब आ रहा है हमारा आज का ये इसका सीरीज का 4th न्यूमेरिकल, और उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आप इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, बस नेट रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया, पीछे से स्टार्ट करो, यहाँ जहाँ सर्किट क्लोज है वहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश किया करो बच्चों, इसमें आए तो यहाँ से देखो, मान लीजिए करंट यहाँ से फिल हो रहा है, मान लीजिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, ये यहाँ भी हो सकता है, हम यहाँ से मानते हैं ये रास्ते 2 मिल गए इसको, तो यानी यहाँ से तो 2 ये पैरेलल में हो गया, मगर अब इधर की तरफ जाएंगे तो ये तीनों के तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो R कितना हो जाएगा 20+10+20। अगर इस रास्ते से जाते हैं तो तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो कितना आ गया 50 ओम। इसे कैसे बनाऊंगा मैं, 10 ओम, 30 ओम, 50 ओम, क्योंकि इन तीनों को सॉल्व करके क्या आएगा 50 ओम। ठीक है, और अगेन वापस से 10 ओम। अब दोबारा पीछे से स्टार्ट करो, ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से के बाद करंट को दो रास्ते मिल गए ना, केरा, तो दोनों पैरेलल में आ गए, तो 1/R' कितना होगा इस केस में, 1/30+1/50। ठीक है, और दिक्कत LCM कितना आएगा बेटा, 150 5+3 1/R', यहाँ से R' की वैल्यू कितनी आएगी, 150/8, तो सॉल्व कर लो, 8 1 8 8 8 64, ठीक है, ये आएगा 8 1 8 8 8 64 8 7 56 8, तो इसको सॉल्व करके आ गया 18.75। इन दोनों को सॉल्व करके, तो इन इसको भी हटा देता हूँ और एक नया रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, यहाँ क्या 18.75 ओम। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम लास्ट में नेट रेजिस्टेंस की बेटा, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस पहले क्या करा, इसको सॉल्व करा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया 18.75, अब तीनों किस में है, ये सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 10+10+18.75, दैट इज 38.75 ओम। किसी को डाउट है तो पूछिए, हमारा ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो चुका है। ठीक है,
चलिए अपने बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ओके सुनिए, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन भेजूंगा और एक वीडियो बनाता रहूंगा न्यूमेरिकल्स की, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब जो बताऊंगा मैं बताऊंगा बेटा आपको थोड़े क्वेश्चंस पावर के ऊपर, सुनिए मेरी बात। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा पहले, रेडियो रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट runs for 50 आर। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, runs for 50 आर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बोल रखा है हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम, अभी चार पांच न्यूमेरिकल और कराऊंगा थोड़े से, धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे। आप ये मत सोचते हैं इतने आसान क्यों कर रहे हैं, हर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बेसिक नहीं स्टार्ट करोगे आप आगे एडवांस नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास नहीं पढ़ोगे आप टेंथ में सिक्स सेवन्थ एट्थ में नहीं आ सकते, या फिर आप आ भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से इनको भी करना जरूरी है, बेसिक से चलते चलते एक एक स्टेप बढ़ाओगे, ठीक है। अब सुनिए, याद रखिएगा एनर्जी का एकमात्र फॉर्मूला होता है यहाँ पर कमर्शियल यूनिट के लिए पावर इनटू टाइम, और भी होता है लेकिन मेन यही है, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू द पावर इनटू टाइम, याद रखिएगा मैंने बताया था बेटा जो पावर होती है आपकी कमर्शियल यूनिट में उसको लेना होता है हमें किस में, किलोवाट में, और टाइम को लेना होता है आर में, तभी यूनिट क्या आती है किलोवाट आर। तो एनर्जी निकालनी है तो पावर कितनी है 60 वॉट, ध्यान से देखिए 1 किलो वॉट में होते हैं बेटा 1000 वॉट, तो 1 वॉट में हो जाएंगे 1 अपॉन 1000 किलो वॉट। अभी एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा करेंगे, तो किलो वॉट को किलो वॉट में चेंज करने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं 1000 से, याद रखिएगा वॉट को किलो वॉट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से। तो एनर्जी इक्वल टू पावर, पावर मैंने निकाल दी किलो वॉट में, इंटू टाइम कितना दे रखा है आर में दे रखा है, यानी 50, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 6 5 30 30 अपॉन 10 दैट इज 3 किलो वॉट आर। अब यहाँ कोई जूल नहीं लिखेगा क्योंकि यूनिट किस में निकलती है किलो वॉट आर, या फिर 3 यूनिट, बताया था मैंने कल ही कि 1 यूनिट 1 किलो वॉट आर के बराबर होती है। ये न्यूमेरिकल भी मेरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बारी बारी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जिसको जो भी डाउट हो पूछिए। लखमीर के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, एक बार जरूर देखिएगा बच्चों ने। सुनिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है सुनो बच्चों। एक करंट ऑफ 4 एम्पीयर जो भी न्यूमेरिकल्स है आप लोग भी मुझे सेंड करिए, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं स्कूल से मिले हों या कहीं से देखे हों उसको हम वीडियोस में सॉल्व करेंगे या आपको लाइव बताएंगे, ठीक है, वरना मैं अपने पास से करा ही रहा हूँ। सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लोज थ्रू आ फ्लोज थ्रू आ 12 वोल्ट फॉर 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सीधा सीधा एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है बेसिकली पावर इंटू टाइम, सुनिए मेरी बात, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका पावर इंटू टाइम। टाइम तो यहां आ गया है मिनट, पावर नहीं है नाउ, इसको मैंने पहले ब्रैकेट में लिख लिया बेटा। पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, हाँ या ना, आप लोग करके देखिए। वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा आपको 12, वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको 12, आई कितना दे रखा है आपको 4, तो पावर कितनी आ गई यहाँ से 48 वाट, और वी कैन से दैट 48 डिवाइड बाय 1000 किलो वाट, तो पावर तो आ गई 48 अपॉन 1000, चाहे आप यहीं पॉइंट पे लिख दो वरना लास्ट में आंसर पॉइंट पे लिख देंगे। अब सीधा सीधा इजीली हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, पावर कितनी आई 48 अपॉन 1000, क्यों करा है सबने
क्योंकि पावर को किलोवाट में लेना होता है बेटा। बात करते हैं टाइम की, 10 मिनट है तो 10 को क्या करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो आर में चेंज हो जाए, है ना। 10 मिनट है ना, मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, ये कट गया आपका, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बताइए आराम से, जिसको भी नहीं आता। 6 10 जा 60, 6 8 जा 48, 8/1, 2, 3 यानी 0.008 किलोवाट आर आंसर। ओके, 0.008 किलोवाट आर। आगे सुन लीजिए मेरी बात, अगला क्वेश्चन आ रहा है। सुनिए बेटा मेरी बात, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास सामने। अब कैलकुलेट द, ये मैंने पावर पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं ऐसे ही, आपको पहले मैंने सीरीज पैरेलल पे कराए थे, अब चल रहे हैं पावर पे। वोल्ट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मिक्स भी कराऊंगा, जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें भी काफी न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। सुनिए, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय अ 5 एम्पियर करंट बाय अ, बेटा सीरीज पैरेलल सभी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मगर अभी डे बाय डे, ऐसा नहीं है कि एकदम एक दिन में आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे या एक दिन में आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम्स, फिर लिखे थे 2 ओम फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। 2 ओम रेजिस्टेंस ने कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी है, अगर उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। ओके, तो सीधा सीधा एनर्जी का तो मुझे एक ही फॉर्मूला याद है बच्चों, पावर इंटू टाइम। टाइम दे रखा है बट हमें पावर निकालनी है, तो पावर क्या दे रखा है, आई दे रखा है और आर, ये ना आर दे रखा है और आई। तो पावर का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, याद हो तो, आई स्क्वायर आर, कल ही पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ, 5 का स्क्वायर, आर कितना है 2, तो यहाँ से पावर कितनी आ गई, 25 into 2, 50 वॉट, और वी कैन से दैट 50 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट, तो दिस इज द पावर। नाउ एनर्जी इक्वल टू पावर तो हो गई 50/1000, टाइम कितना है 30, मिनट को चेंज कर लेंगे आर में तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचेगा, 5 5 1 जा 5, 5 20, तो ये बचेगा 1/40, ठीक है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 1/40 तो ये कितना आएगा, 0.025, कर लीजिए सॉल्व, ठीक है, 0.025, ठीक है जी, 0.025 किलोवाट आर, या फिर यूनिट। ये न्यूमेरिकल भी हो चुका है हमारा, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ओके, जिसको भी डाउट हो पूछते रहिए, अभी 2 न्यूमेरिकल और होंगे बस, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं और अपनी वर्कशीट को क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। सुनिए अब बेटा, जो न्यूमेरिकल मैं देने वाला हूँ वो है आपका जनरली कमर्शियल यूनिट पे, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन है बल्ब इस कि हम जैसे मान लीजिए आपने घर में 10 बल्ब जला रखे हैं, तो उनकी कीमत कितनी आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, उस तरीके के क्वेश्चन है। ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट, वॉट इज इट्स रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो पूछा क्या है, वॉट इज इट्स, वॉट इज इट्स रेजिस्टेंस, 5 such bulbs, 5 such bulbs burn for 4 hours, burns for 4 hours, what is the electrical energy consumed,
वॉट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, और साथ में लास्ट पार्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ इफ रेट इज 4.60 रुपीज पर यूनिट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे सामने कि हमें क्या करना है कैसे करना है। ओके, हमारे पास क्या है, एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है, लिखा होगा ना आपने देखा होगा बल्ब लाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में लिखा रहता है, वो उसकी वोल्टेज कितनी यूज़ करेगा और कितनी पावर का है वो लिखा रहता है। तो वोल्टेज कितनी है उसकी, पहले लिख लीजिए वोल्टेज कितनी दे रखी है इसकी 200 वोल्ट, पावर कितनी दे रखी है बेटा इसकी 100 वाट। तो सबसे पहले तो आपका क्या फाइंड करना है इसमें रेजिस्टेंस, पहला पार्ट ही करते हैं, वॉट इज इट्स रेजिस्टेंस। बेटा पावर का एक फॉर्मूला और होता है जिसका नाम है वी स्क्वायर अपॉन आर, हाँ है ना, बिल्कुल होता है, सही कह रहे हैं सर, है ना। वी की वैल्यू क्या है 200 इंटू 200 अपॉन, मतलब जो भी कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करा है बस। आर तुम्हें निकालना, पावर कितनी दे रखी है बेटा 100, आर आपको निकालना है, तो आर कितनी आ जाएगी 200 इंटू 200 अपॉन 100, एक जीरो से जीरो गई, एक जीरो से जीरो गई, कितना आ गया आर बेटा 400 ओम। यानी वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना यूज़ हो रहा है बेटा, कितना लगा के दिया है कंपनी ने 400 ओम। अब फाइव सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, वॉट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पहले मैं निकाल लेता हूँ एनर्जी इन वन बल्ब, कि एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पावर है 100 किलोवाट में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया 1000, टाइम दे रखा है 4 आवर, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ठीक है, कितना आ गया 4/10, फोर कितने बल्ब्स हैं, फोर फाइव बल्ब्स, कितने बल्ब चले हैं 5 बल्ब, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, TE का मतलब टोटल एनर्जी 4/10, एक की है तो 5 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ गया 2 kWh। तो टोटल एनर्जी आपके बेटा कितनी आ रही है जनरली जो हमारी यूज हुई है 2 kWh, 2 kWh, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 यूनिट। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, अब निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट कितनी है 4.60 रुपीज, तो 2 यूनिट की कितनी आएगी बताइए 9.2, ठीक है कोई दिक्कत, 9.20 रुपीज। तो आपका अगर आपने 5 ऐसे बल्ब 4 घंटे के लिए चला ली तो टोटल कितने रुपए का बिल आएगा, लगभग 9 रुपए का। पावर दे रखी थी, वोल्टेज दे रखी थी, आर निकाल दिया सबसे पहले वी स्क्वायर अपॉन आर से, अब एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू टाइम एक बल्ब की निकाल ली, 5 बल्ब के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, सॉल्व करके हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछिए। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का, उसके बाद और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे मगर मैं 3-4 दिन बाद बनाऊंगा, अभी फिलहाल ट्यूजडे से हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ओके, एक वन और क्वेश्चन सुनिए, एन अभी मैंने रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स नहीं कराए कि लेंथ डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या तरह तरह की कंडीशन, उसके लिए अलग से न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल भी एक वीडियो में दे दूंगा न्यूमेरिकल्स की। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने अभी देखो किसके कर लिए, कॉस्ट निकालने के लिए, पावर के कर लिए, सीरीज पैनल के कर लिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स थोड़े से एडवांस नहीं करे, पोटेंशियल डिफरेंस के पहले करे थे, वोल्टेज करंट ओम्स लॉ के, अभी बचा है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के मैं आपको अलग से कराऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, आज यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, आप खुद करेंगे इसे, दिमाग मारिए, ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई, ओके, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट
इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 hours every day for 30 days for 30 days if the cost is 5 rupees if the cost of वन यूनिट इज 5 rupees। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी मेरी कितनी कंज्यूम हुई है इसे इसकी इसको यूज़ करने में। तो सबसे पहले तो गिवन वैल्यू आई की वैल्यू 10 एम्पियर, वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। हीटर 5 घंटे चलता है, टाइम क्या दे दिया 5 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, तो कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं, ईजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो सबसे पहले तो पावर ही निकाल लो VI, क्योंकि वोल्टेज भी दे रखी है करंट भी दे रखी है ना। वोल्टेज है 220, I है 10, पावर कितनी आ गई 2200 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो दैट इज 2.2 किलोवाट। चलिए बेटा पावर तो आ गई आपकी 2.2 किलोवाट। फाइंड करते हैं कॉस्ट, पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। पावर इंटू टाइम, एनर्जी फॉर वन डे, केवल कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं कि एक दिन में कितना बिल आएगा। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि डेली में कितने घंटे चल रहा है 5 घंटे। पावर कितनी है उसकी 2.2, टाइम कितना है 5, दैट इज 11 किलोवाट आवर। नाउ फॉर, पहले मैंने क्या करा इसकी पावर निकाल ली, टाइम डेली कितना चलता है 5 घंटे में, तो एक दिन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इंटू टाइम सेम, तो पावर 2.2 टाइम 5 आवर, इतनी आ गई किलोवाट आवर। फॉर 30 डेज, एक दिन में कितनी हो रही है 11, तो 30 डेज में मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज 330 किलोवाट आवर। नाउ कॉस्ट, पूरे महीने में कितनी टोटल कितना हुआ 330 यूनिट, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 5 रुपये, तो 330 यूनिट, क्योंकि इसका मतलब ये भी तो होगा 330 यूनिट 1 किलोवाट आवर यूनिट के बराबर होता है, इक्वल टू 5 × 330 1650 रुपीज़, ओके। तो उसका महीने का बिल कितना आएगा 1650 रुपये, क्लियर 1650 रुपीज़, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछिए। आज के लिए इतना ही। बच्चों प्लीज़ थोड़ी सी बात सुनिए, लापरवाही मत दिखाओ। मैं तो खुद ही वीडियोस आपको 2-3 दिन में भेज रहा हूँ, आराम से पढ़ते रहो। जूम ऐप पे भी क्लास होती है, जूम ऐप पे डेली क्लास नहीं होगी बेटा, जो भी वीडियो से पढ़े उसका डिस्कशन होना है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज़ प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से मन लगा के पढ़ो, सारी वीडियोस देखिए बेटा, डेली देखिए, डेली इन द सेंस कि जब भी वीडियो आ रही है कभी भी टाइम निकाल के, मगर देखो उसी दिन, और जो भी चीज़ नहीं आई पूछिए, वरना अगर एक बार टॉपिक वीक रह गया ना, बेस वीक रह गया ना, तो फिर कोई क्लियर नहीं कर सकता। 11th 12th में ये बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखिए। आज के लिए इतना, थैंक यू, ओके।